तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कर्ण रोग के बारे में। जैसा कर्ण रोग आयुर्वेद का सिद्धांत आपको पता है, वात पित्त कफ के ऊपर आधारित है। और कर्ण रोगों में आप देखेंगे जितने भी कर्ण रोग हैं उसमें से अधिकतर रोगों में वात दोष इन्वॉल्व रहता है। वात दोष की विकृति से ही अधिकतर रोग होते हैं। जैसे आप कर्णशूल देखें तो कर्णशूल में भी वात दोष इन्वॉल्व है। कर्ण छेड़ देखें वात दोष है, कर्ण नाद है वात दोष है, कर्ण संस्राव है तो वात दोष का प्रकोप है। तो अधिकतर कर्ण रोगों में वात दोष ज़्यादा प्रधान है और उसी के अनुसार चिकित्सा भी वर्णित है। तो मेरे लिए वात शमन या वात व्याधि की जो चिकित्साएं हैं उनका प्रयोग कर्ण रोगों में करते हैं। एक सामान्य रोग हम देखते हैं कर्ण स्राव। कर्ण स्राव, इसके अगर हम निदान संप्राप्ति देखें, शिरो अभिघातात् अथवा निमज्जतो जले, शिरो अभिघातात् अथवा निमज्जतो जले प्रपाकात् अथवा अपि विद्रधे, सर्वेत्तु पूयम् श्रवणो अनिलावृत्त है। कर्ण संस्राव है, ठीक है। तो इसमें निदान जैसे बताए, शिरो अभिघातात, सिर पर अभिघात होने से, निमज्जतो जले या जल में डूबने से, प्रपाकात अथवा आप ये विद्रदे या पर कर्ण प्रदेश में कोई विद्रदी है उसमें कोई पाक हो जाता है तब श्रवणो अनिलावृत्त है। तो वहां पर वात प्रकुपित हो जाता है और उस प्रकुपित वात के कारण स्रवेत्सु पूयम्, वहां कर्ण से पूय का स्राव होता है, सह कर्ण संस्राव है, उसे कर्ण स्राव कहा। तो इसके जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी देखते हैं, इसका अगर आपने चिकित्सा सूत्र देखे तो एक सामान्य चिकित्सा में भी अधिकतर वात शमन और रसायन चिकित्सा है। सामान्य कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम अव्यायामो ऐश्रेय स्नानम ब्रह्मचर्यम अकथनम, ऐसा शुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। सामान्य कर्ण रोगेषु घृतपानम, तो सामान्य कर्ण रोगों की चिकित्सा, तो जितने भी कर्ण रोग हैं उनमें सामान्य चिकित्सा क्रम ये है, घृतपान कराएं, रसायन सेवनम, जो रसायन औषध है या रसायन चिकित्सा है वो करनी है, अव्यायामो मीन्स घृतपानम, रसायनम, रसायन औषधियों का सेवन या रसायन चिकित्सा, अव्यायामो मीन्स एक्सरसाइज तो करनी है लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, विद इन लिमिट। ऐश्रेय स्नानम, जितने भी कर्ण रोग हैं उनमें बोला है स्नान करें लेकिन सिर पर पानी नहीं डालना है, ठीक है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य के जो भी आचार रसायन है, सद्व्रत है और जो भी है उन सब का पालन करना है। अकथनम, अकथनम मीन्स ज़्यादा नहीं बोलना है, जो इरेलेवेंट टॉक है, लाउड टॉक है उन सबको अवॉइड करना है।
ऐश्रय स्नानों में भी ऐसे ही पानी में भीगना, अवश्याय का सेवन करना, स्विमिंग पूल में डाइविंग करना, सिर पर पानी डालना, वो सब इसमें वर्जित है। फिर ये सामान्य चिकित्सा क्रम, इसके बाद विशेष में कर्ण श्राव के लिए कहा शिरो विरेचनम चैव धूपनम पूर्णम तथा परमार्जनम भावनं च वीक्षे वीक्षोचारे। तो वीक्षे वीक्षे यहाँ पर दोष और रोग और रोगी, इन तीनों की कंडीशंस को देख करके उनकी अवस्था के अनुसार हमको शिरो विरेचन देना है, एक कर्ण का धूपन करना है, दो कर्ण पूर्ण, तीन परमार्जन, परमार्जन ड्राई मोपिंग है, धावनंच कर्ण प्रक्षालन, ईयर सिरिंजिंग, वीक्ष दोष और रोगी उनका विचार करते हुए ये प्रोसीजर उसमें करने हैं। तो इसमें आप देखेंगे अधिकतर लोकल प्रोसीजर है, लोकल प्रोसीजर्स शालक्य में आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो नेत्र रोग है तो वहाँ क्रियाकल्प बताए, क्रियाकल्प में अधिकतर सारे लोकल या टॉपिकल प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि कुछ औषधियाँ हैं जिनको हम ओरली देते हैं लेकिन वहाँ उनको जहाँ पहुँचना है, या हम कहें कि जो ब्लड बैरियर है, चाहे वो एक्वस बैरियर है या रेटिना ब्लड बैरियर है, उसको क्रॉस करके वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ तक मेडिसिन पहुँचे उसके लिए हमने आचार्यों ने क्रियाकल्प बताया। उसी तरह से जो क्रियाकल्प है ऐसे ही प्रोसीजर कर्ण रोगों में भी हैं जो लोकली बहुत इफेक्टिव हैं। जैसे कि एक हम धूपन देखें तो कर्ण स्राव में धूपन के लिए बहुत सारे धूपन द्रव्य बताए हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली यूज होता है गुगलू या हरिद्रा, और अगर कुछ नहीं है आपके पास त्रिफला यूज कर सकते हैं, वचा है, दशमूल द्रव्य है, इन सब द्रव्यों का पाउडर लेना है, या तो यवकुट पाउडर ले लें, एक कॉटन का पैड जैसा बनाएं, थोड़ा सा ऑयल स्नेह से हाथों को स्निग्ध करके, और उस पर वो कपड़ा रखें, उस कपड़े के ऊपर वो धूपन द्रव्य रखें, और फिर उसकी वर्ती बना लें फोल्ड करके। वर्ती बनाने के बाद एक तरफ से वर्ती को प्रज्वलित करना है, और फिर कर्ण धूपन यंत्र की सहायता से जो उसके जो धूम है उन धूमों को केनाल में, जो एक्सटर्नल अकोस्टिक केनाल है उसमें हम जाने देते हैं, तो उन धूम से क्या इफेक्ट आता है जो बताया है, कर्ण धूपन। तो इसमें जो भी कर्ण धूपन द्रव्य है वो द्रव्य लेना है, चाहे वो गुगलू ले, बचा ले, त्रिफला, दशमूल, जो भी, उससे धूमवर्ती बनानी है, ठीक है। धूमवर्ती को एक एंड से जला करके धूम कर्ण धूपन यंत्र की सहायता से जो धूम है, धूम यंत्र से अलाउ द फ्यूम्स टू एंटर इन द केनाल, ठीक है। ये धूपन क्या करता है, बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल है एक चीज, दूसरा क्योंकि वो थोड़ा फ्यूम हल्का गर्म है तो वहां वास्कुलराइजेशन करता है, तो वहां रक्त संचार में मदद करता है, मेनली ये दो एक्शन हम समझें कर्ण धूपन के। तो जितने भी कर्ण स्राव जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें कान से स्राव आता है, उसमें हम पहले उसकी क्लीनिंग कर लें, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप सक्शन से क्लीनिंग कर सकते हैं,
या आपको लगता है थोड़ा कम स्राव है, आप उससे मोपिंग से कर सकते हैं। पहले एक बार क्लीन कर लें, क्लीन करने के बाद आपको कर्णधूपन करना है। कर्णधूपन मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। 1 से 2 मिनट तक फ्यूम्स को हम अलाउ करते हैं कैनाल में जाने के लिए। तो इस धूपन से वहाँ जो भी इन्फेक्शन है, आधुनिक भाषा में कहें तो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सबसाइड होता है, या जैसे ऑटोमाइकोसिस फंगस है तो ये फंगस को सबसाइड करता है। उसके बाद जो और प्रोसीजर है जैसे कि पूरण है, तो अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है, उसमें छिद्र है, तो हम अवॉइड करते हैं कि उसमें कर्णपूरण नहीं करें। उसका क्या उपाय है पर कर्णपूरण नहीं करें, तो फिर हम दूसरा एक उपाय है कर्ण पिचू। वही जो इसमें क्या है, वही एक सामान्य उसकी कॉटन की वर्ती बनाते हैं, उस वर्ती को मेडिकेटेड ऑयल्स में हम डिप कर लेते हैं, जैसे कि जैत्यादि तेल है या अपामा क्षार तेल है, उसमें डिप करके फिर उस वर्ती को हम कैनाल में इंसर्ट कर देते हैं। उसमें 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक हम वो रखने को बोलते हैं, उसके बाद उसको रिमूव कर देते हैं। एक टाइम सुबह, ऐसी शाम, दोबारा शाम को भी आप रख सकते हैं। तो वह कर्ण पिचू है, वह भी एंटीबैक्टीरियल होगा, वहाँ से जो डेब्रिज है, डिस्चार्ज है, उसको साफ करेगा, प्लस वहाँ अगर परफोरेशन है तो उसको हीलिंग में मदद करता है, ठीक है। तो ये कर्ण धूपन, ऐसे ही कर्ण पिचू, परमार्जन तो आपको बताया, ये ड्राई मोपिंग है। आप एक जैसे अभी हम यूज़ करते हैं जोबसन बट, उस पर कॉटन से एक बट बना लेते हैं और उससे मोपिंग करके क्लीन कर लेते हैं। धावनंच, धावन भी आप कर सकते हैं, लेकिन कर्ण प्रक्षालन के लिए चाहे तो किसी क्वाथ से करें या नॉर्मल सेलाइन से, जिससे भी करते हैं। उसके बाद में जितना भी आपने उसमें लिक्विड डाला है उसको पूरा आपको क्लीन करना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप कर्ण प्रक्षालन करने जाएं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके भी फिर कुछ प्रिकॉशंस हैं, और उसके करने के बाद भी क्या हमें सावधानी रखनी है वो एक अलग मैटर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम कर्ण स्राव में कुछ योग दे सकते हैं। योग में केशोर गुगलू, रासनादि गुगलू, सामान्य चिकित्सा तो हमको देनी है, रसायन हमने वहां सामान्य चिकित्सा में डिस्कस किया, रसायन देना है तो पहले हमें कुछ रसायन देना है। बाकी ट्रीटमेंट तो बहुत बड़ा पार्ट है, आपको पूरा हिस्ट्री लेना है, उसमें और भी कुछ कंप्लेंट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। लेकिन कर्ण स्राव के लिए सामान्य चिकित्सा प्लस केशोर गुगलू या रसायन गुगलू प्लस कर्ण धूपन, कर्ण पिचू आदि, इनसे हम कर्ण स्राव को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।